वेलकम टू माय चैनल द सिटी जायका। आज मैं एक इंडियन स्वीट डिश बनाने जा रही हूँ, खीर। फैमिली के हर एक मेंबर को बहुत अच्छा लगता है, बड़े हो या बच्चे हो, सभी बहुत चाव से खाते हैं। और हमारे घर में कुछ भी फेस्टिवल हो, शादी ब्याह, कुछ भी शुभ काम के लिए जाए तो हम खीर खा के घर से मुंह मीठा करके बाहर निकलते हैं। तो चलिए, मैं बनाने जा रही हूँ खीर की रेसिपी। आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट में बताइएगा रेसिपी कैसी लगी। सो फ्रेंड्स, खीर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने छोटे दाने वाले चावल ले लिए हैं, जिसे गोविंदभोग चावल भी कहते हैं। आप जब इस चावल को लेने जाओगे ना, इसकी खुशबू से ही आप समझ जाओगे कि ये कौन से चावल लेने, इसका खुशबू ही बहुत प्यारा लगता है। तो सबसे पहले ये मैंने 200 ग्राम चावल लिए हैं, और मैं 200 ग्राम चावल ली हूँ और 200 ग्राम ही मैं चीनी भी लूंगी। जितना चावल रहेगा उतना ही चीनी रहेगा अगर आपका, तो कभी भी मीठा कम ज्यादा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, हमेशा परफेक्ट बनेगा आपका, ठीक है। तो इसीलिए सबसे पहले मैं इसको धो लूंगी, धो के मैं इसे भिगो के कम से कम 20 से 25 मिनट में रख लूंगी। उससे क्या होगा ना, बहुत अच्छा गलेगा चावल, बहुत अच्छे से दूध में मेल्ट हो जाएगा आपका। सो फ्रेंड्स, मैंने चावल भिगा के रखे थे, वो 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। अब खीर बनाने की तैयारी कर रही हूँ। मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डाला है और फुल क्रीम मिल्क मैंने 1 लीटर का ले लिया है। सो आप देख सकते हैं दूध उबल चुकी है, अब मैं इसमें चावल डाल रही हूँ। मैंने चावल डाल दिया, अब मैं इसमें खुशबू के लिए 2 तेज पत्ते और कुछ कुटी हुई इलायची डाल देती हूँ। इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है, आपके पूरे घर में खीर बनने की खुशबू फैल जाएगी। बनाने की सबके अपने अपने अलग अलग तरीके होते हैं। कोई 10-15 मिनट में बना के खत्म कर देता है, किसी का टाइम लगता है। आप जितने ज्यादा टाइम लगा के धीमे आंच में धीरे धीरे करके बनाओगे ना, खीर उतनी ही ज्यादा टेस्टी बनती है। और ये चावल के दाने होते हैं ना, बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाते हैं दूध में। थोड़ी थोड़ी देर में आप इसको चलाते रहना ताकि ये दूध चिपके नहीं। देख रहे हो, मैं थोड़ी थोड़ी देर में इसको स्टेयर कर रही हूँ ताकि दूध और चावल बहुत अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए, चावल हमारे अच्छे से पक जाए। और इतनी देर में मैंने यहाँ पे इसके गार्निशिंग के लिए कुछ नट्स, काजू, बादाम, किशमिश मैंने रेडी कर लिए हैं। इसको मैं छोटे छोटे चॉप कर लूंगी। और फ्रेंड, मैंने एक दूध उबालते समय मैंने 1 कटोरी दूध पहले ही निकाल के रख लिया था, उसमें मैंने थोड़ा सा केसर दे दिया क्योंकि
पनीर बनते समय ना चावल सोख कर लेता है दूध को, तो वो जरूरत पड़ती है आप थोड़ा सा दूध अगर साइड कर लोगे ना पहले से और चावल आपका सोख कर ले अगर दूध को, तो ये दूध उसमें डाल के आप एडजस्ट कर सकते हो। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारी खीर अब रेडी होने को आई है, बस अब थोड़ी देर में ये रेडी हो जाएगी। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ यहाँ के चावल हमारी अच्छे से, आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से ये पक चुकी है। सो अब मैं इसमें डाल रही हूँ चीनी। चीनी आप हमेशा लास्ट में ही डाला कीजिएगा वरना ये हमारे चावल को पकने देगा। सो मैंने ये जो केसर वाली दूध अलग से एक कटोरी निकाल के रखी थी अब मैं वो इसमें डाल दूंगी। आप देख सकते हैं फ्रेंड खीर हमारी कितनी अच्छे से पक गई है। चावल भी हमारी गल चुकी है, अब ये बिल्कुल रेडी है। सो मेरे पास जितने ड्राई फ्रूट्स थे मैंने सबको काट लिया है, आप अपने पसंद के अनुसार आपको जो अच्छा लगे आप वो डाल सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा।